हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस विच इज लेक्चर 11 ऑफ द बुक रिलेटिविटी फॉर बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स जनरल एंड सर्जरी कोर्सेस. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में, जो यूज होता है किसी पार्टिकल के पोजीशन को किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकुलर टाइम पर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म करने के लिए. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूज टू ट्रांसफॉर्म पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वी हैव टू ऑब्टेन transformations equations between two inertial frames the observations are made by two observers located at the origins of two inertial frame of references S and S dash, and both observers observe any event taking place at a particular point, suppose that point is P, from two frames of references S and two inertial frame of references S and S dash, and we have to relate the position and time of the same observation of the same event made observed by two different observers, suppose O and O dash, located at the origins of both frames S and S dash, which are inertial frame of references. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दो ऑब्जर्वर्स किसी पॉइंट पर सिचुएटेड किसी इवेंट को ऑब्जर्व करता है और दोनों ऑब्जर्वर्स के द्वारा सेम इवेंट का ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्ड्स को हम एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में दूसरे फ्रेम से रिलेट करेंगे, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में. तो सपोज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अबाउट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूज्ड टू transform position of a particle or an event between from one inertial frame to another inertial frame or between two inertial frames from one inertial
बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स राइट डाउन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूज टू ट्रांसफॉर्म पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम्स एज ऑब्जर्व बाई टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स टू डिफरेंट फ्रेम्स द इवेंट टेकिंग प्लेस हैपनिंग एट एनी पॉइंट पी इज ऑब्जर्व बाई टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन टू इनर्शियल फ्रेम्स बिटवीन टू सो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूज टू ट्रांसफॉर्म पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स ऑब्जर्व बाई टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन टू फ्रेम्स ऑब्जर्व बाई टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन बोथ फ्रेम्स टू ऑब्टेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दैट इज गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वी हैव टू डिस्कस टू केसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस वन इज इफ फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस फर्स्ट सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में सपोज किया जाए कि कोई इनर्शियल फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रिलेटिव टू फ्रेम एस फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम एस बट फ्रेम एस इज इन रेस्ट इनर्शियल फ्रेम एस इज इन रेस्ट वाइल एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम एस लेट टू ऑब्जर्वर्स ओ एंड ओ डैश आर सिचुएटेड एट द ऑरिजिन्स ऑफ दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ थ्री ऑफ द सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बोथ ऑब्जर्वर्स ओ एंड ओ डैश आर ऑब्जर्विंग सेम इवेंट हैपनिंग एट पॉइंट सपोज हैपनिंग एट पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ टू फ्रेम्स एस एंड एस डैश रेस्पेक्टिवली सो we have to sketch a diagram this is frame s a set of three coordinate axes x and y z represents a frame and this frame is inertial frame of reference the frame which either remains in rest or moves with uniform velocity along a straight line is called in any direction is called inertial frame of reference suppose this is frame s which is in rest and observer lies at the origin that is point of intersection of three coordinate axes this is x this is y this is z and x dash of both frames coincides dono frame ka x tatha x dash axis coincide karta hai ek hi line ke along x axis ke along second frame is S dash, which also
constituted from a set of three coordinate axes, x dash, y dash, z dash. This is z dash, z and z dash are parallel, y and y dash are parallel. And suppose observer O dash is situated at the origin of inertial frame S dash, which is moving with uniform velocity v along positive direction of x axis. This frame S dash is moving, this frame S dash is moving along positive x axis with uniform velocity v. Frame S dash v velocity ke saath positive x axis ke along move karta hai, jabki dusra inertial frame S, jo first inertial frame hai, वह रेस्ट में है, जबकि सेकेंड इनर्शियल फ्रेम एस डैश भी वेलोसिटी से मूव करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग. सपोज एन इवेंट इज हैपनिंग एट पॉइंट पी हैविंग पोजिशन कोऑर्डिनेट हैविंग कोऑर्डिनेट्स पोजिशन एंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इज द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल और दिस इवेंट विच इज हैपनिंग एट पी रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम एस इज एक्स वाई जेड पोजिशन कोऑर्डिनेट है एंड पार्टी टाइम कितने टाइम पर टी टाइम पर. और इसी इवेंट का पी का जो कि दूसरा ऑब्जर्वर इस इवेंट को फ्रेम एस के ओरिजिन ओ पर सिचुएटेड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, जबकि एक दूसरा ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम एस डैश पर के ओरिजिन ओ डैश पर सिचुएटेड है और वह ऑब्जर्व करेगा इसी इवेंट को जिसके लिए पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश सपोज किया जाता है. उसके लिए पोजिशन कोऑर्डिनेट उसी इवेंट का पोजिशन एंड टाइम दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इवेंट्स आर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी फॉर द ऑब्जर्वर ओ डैश विच लाइज एट द ओरिजिन ऑफ द सेकेंड इनर्शियल फ्रेम एस डैश बट सेकेंड इनर्शियल फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. हेयर एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस ऑफ बोथ frames one sides while y dash is parallel to y z dash z is frame z is parallel to coordinate axis z is parallel to z dash which is the coordinate axis of frame s dash. Suppose the origins of both frames coincide initially when we start or both observers starts observing the same event happening at point P. जब दोनों observers किसी event को अपने अपने frames के location से origin से देखना ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो सपोज करते हैं कि इनिशियली दोनों फ्रेम्स मतलब ओ डैश दोनों फ्रेम्स का ओरिजिन ओ डैश और ओ कॉन्साइड करता है एक ही जगह पर शुरू में और उसके बाद फ्रेम एस डैश मूव करता है भी वेलोसिटी से तो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट एस के रिस्पेक्ट में इस पार्ट के थी पॉइंट पी का होगा वह कितना होगा एक्स होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका पोजिशन कितना होगा वाई होगा स्मॉल वाई होगा और एस डैश के रिस्पेक्ट में इसका पोजिशन इस इवेंट का सेकेंड ऑब्जर्वर के लिए कितना होगा एक्स डैश होगा. तो हमें एक्स डैश और एक्स के बीच में जो पोजिशन कोऑर्डिनेट है दोनों ऑब्जर्वर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया किया जाएगा किसी पॉइंट पी का जहाँ पर इवेंट कोई इवेंट पॉइंट पी पर है तो उसका पोजिशन कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे क्योंकि मोशन जो है फ्रेम एस डैश का के फ्रेम एस डैश का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी से इनर्शियल सेकेंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाई डैश मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जबकि वाई और जेड के अलोंग मोशन नहीं हो रहा है. तो उस सिचुएशन में वाई तथा जेड के अलोंग पोजिशन कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा केवल चेंज होगा तो वह कहाँ होगा किस एक्सिस के अलोंग होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा. अब शुरू में सपोज किया गया कि दोनों फ्रेम्स का ओरिजिन स्टार्टिंग जब इवेंट को ऑब्जर्व करना ऑब्जर्वर्स दोनों ऑब्जर्वर्स इवेंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कराएंगे तो उस समय दोनों फ्रेम्स का ओरिजिन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड करता है और उसके बाद चूंकि फ्रेम एस डैश भी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग
मूव कर रहा है, तो इसलिए टी टाइम में के बाद एक्स टी टाइम के बाद जो सेपरेशन होगा कितना डिस्टेंस एस डैश एस के रिस्पेक्ट में, चूंकि एस फ्रेम एस फर्स्ट फ्रेम एस इनर्शियल फ्रेम रेस्ट में है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा टी टाइम में, दिस डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रेम एस डैश एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग विथ वेलोसिटी वी इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वी इनटू टी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रेम एस डैश सेकेंड फ्रेम एस डैश आफ्टर टाइम टी फ्रॉम ए स्टार्ट दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन द ओरिजिन्स ऑफ बोथ फ्रेम्स कॉन्साइड। फ्रेम एस डैश कवर्स डिस्टेंस वी टी दैट इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस वी टी फ्रॉम एस आफ्टर टाइम टी। सो वी हैव टू सो द ऑब्जर्वेशंस मेड बाई बोथ ऑब्जर्वर्स ऑफ पोजिशन एंड टाइम कैन बी रिलेटेड बाई द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस विच आर कॉल्ड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। देखिए सपोज ऑरिजिन्स ओ एंड ओ डैश कॉन्साइड एक ही जगह पर होता है कॉन्साइड इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो जिस टाइम से हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना इवेंट को, दोनों ऑब्जर्वर इवेंट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है जो पॉइंट पी पर है, तो उस समय टाइम क्या है टी इक्वल टू जीरो है जब दोनों फ्रेम्स का ऑरिजिन कॉन्साइड करता है एट टी इक्वल टू जीरो। नाउ आफ्टर टाइम टी फ्रेम एस डैश कवर्स सेपरेटेड कवर्स डिस्टेंस वी टी अलोंग मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी वी आफ्टर टाइम टी फ्रेम एस डैश इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस वी टी फ्रॉम फ्रेम एस दैट इज फ्रेम एस डैश कवर्स डिस्टेंस वी टी अलोंग प्लस एक्स एक्सिस फ्रॉम रिलेटिव टू फ्रेम एस रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम एस। सो वी कैन रिलेट पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम बिटवीन टू फ्रेम्स एज ऑब्जर्व्ड बाय टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ओ लोकेटेड एट ऑरिजिन ओ एंड ओ डैश ऑफ बोथ फ्रेम्स। सो सो पोजिशन सो कोऑर्डिनेट्स सो कोऑर्डिनेट्स पोजिशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी दैट इज वेयर एन इवेंट इज हैपनिंग पॉइंट पी बिटवीन टू फ्रेम्स कैन बी रिलेटेड एज कैन बी रिलेटेड एज ए सेट ऑफ फोर इक्वेशंस विच आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स एक्स डैश का जो पोजिशन होगा टी इनिशियल में इनिशियली टी टाइम पर जो पोजिशन है टी टाइम पर जो पोजिशन है पार्टिकल पी का मतलब इवेंट पी का विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इज एक्स एंड उसी टाइम पर दैट इज टी डैश टाइम है तो टी डैश इज इक्वल टू टी यहाँ हो जाएगा। तो टी डैश टाइम पर
उस फ्रेम का ये उस पार्टिकल का पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है, एक्स डैश है, तो दोनों रिलेट होगा, एक्स डैश इजकल टू एक्स और इतना डिस्टेंस ये सेकेंड ऑब्जर्वर के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया पोजिशन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग वह क्या है, एक्स डैश है, एक्स डैश है, तो वह रिलेट हो सकता है इसके इक्विवेलेंट कब होगा, जब एक्स डैश इजकल टू एक्स और टी टाइम में डिस्टेंस कवर कितना कर लिया है, फ्रेम एस डैश भी टी सेपरेटेड हो गया है, फ्रेम एस डैश इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रेम एस बाई डिस्टेंस भी टी, सो एस डैश इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल पी वेयर और इवेंट पी इवेंट हैपनिंग एट पी एट टाइम टी इज एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस भी टी। अब ये दोनों के लिए पोजिशन कोऑर्डिनेट मतलब सेम पार्टिकल का सेम इवेंट का पोजिशन कोऑर्डिनेट दोनों फ्रेम से ऑब्जर्व करने पर इसको रिलेट किया जा सकता है एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस भी टी, और चूंकि मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है तो केवल एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही ये चेंज हम पोजिशन कोऑर्डिनेट में चेंज हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, जबकि वाई और वाई डैश के लॉन्ग मोशन हो नहीं रहा है, देयरफॉर वाई डैश इजकल टू वाई वाई के लॉन्ग कोई चेंज नहीं होगा और टी के लॉन्ग भी कोई चेंज नहीं होगा और सॉरी जेड एक्सिस के लॉन्ग भी कोई चेंज नहीं होगा, तो जेड डैश इजकल टू जी जेड एंड हेयर वी हैव टू टेक टी डैश इजकल टू टी टी डैश इजकल टू टी, दोनों फ्रेम्स में टाइम भी उस पोजिशन टाइम कोऑर्डिनेट जो है उस पार्टिकल का चाहे इवेंट का वह भी इक्वल इसमें कंसिडर करना होगा, तो ए सेट ऑफ फोर इक्वेशंस आर ऑब्टेंड हेयर, चार इक्वेशंस का एक सेट ऑब्जर्व होता है यहाँ जिसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहा जाता है, ए सेट ऑफ फोर दिस सेट ऑफ फोर इक्वेशंस इज कॉल्ड आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, दिस सेट ऑफ फोर इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दीज आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इन सिचुएशन वन व्हेन फ्रेम इनर्शियल फ्रेम एस डैश इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी रिलेटिव टू फ्रेम एस, दीज आर कॉल्ड these equations represented by a set of four equations, these equations represented by equation 1 are called Galilean transformation equations. Now we have to discuss case 2 in Galilean transformations, and case 2 is if frame S dash, that is second inertial frame S dash is moving along a straight line in any direction, किसी भी डायरेक्शन में, फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था कि फ्रेम एस डैश केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी से मूव करता है, लेकिन इसमें ये एक पार्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग मोशन फ्रेम एस डैश का नहीं है, मतलब किसी एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, तो इसमें वेलोसिटी का तीनों कोऑर्डिनेट सपोज करना होगा, भी को कंपोनेंट के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा, तो ये फ्रेम एस डैश इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी वी वेक्टर रिलेटिव टू फ्रेम एस, फ्रेम एस इज फर्स्ट फ्रेम एस इज
इनर्शियल फ्रेम एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है फ्रेमेस डैश जो कि रेस्ट में है, और रेस्ट डैश भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है लेकिन यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी भी रिलेटिव टू फ्रेम इनर्शियल फ्रेम एस. सो इन दिस केस वी हैव वी कैन स्केच मोशन ऑफ फ्रेमेस डैश इन एनी डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी. दिस इज ए सेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड. दिस इज फ्रेम एस एक्स वाई जेड. थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है फिजिक्स में. दिस इज फ्रेम एस एंड अनदर फ्रेम एस डैश. अब यहाँ पर एस डैश तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर नहीं रहा है, तो एक्स फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस फ्रेम एस का एक्स एक्सिस एंड फ्रेम एस डैश का एक्स डैश एक्सिस दोनों को अनसाइट किया था. दोनों एक्स माने दोनों फ्रेम्स का एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को अनसाइट था, एक ही लाइन में था. लेकिन यहाँ पर फ्रेम एस डैश का एक्स एक्सिस और फ्रेम एस का एक्स एक्सिस कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एक्सिस के लॉन्ग फ्रेम एस डैश का सेपरेशन हो सकता है फ्रेम एस से. दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश, दिस इज ओ डैश विच इज द ऑरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम एस डैश, वेयर ऑब्जर्वर सेकेंड ऑब्जर्वर लाइज एट द ऑरिजिन ओ डैश ऑफ द सेकेंड इनर्शियल फ्रेम एस डैश, वाइल फर्स्ट ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द ऑरिजिन ओ ऑफ द फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम एस विच इज इन रेस्ट. पहला ऑब्जर्वर फ्रेम एस के ऑरिजिन पर सिचुएटेड है तथा दूसरा ऑब्जर्वर ओ डैश पर जो कि दूसरे फ्रेम इनर्शियल फ्रेम एस डैश का ऑरिजिन है वहाँ सिचुएटेड है और एक ही इवेंट को देख रहा है, सपोज कर रहा है एक ही इवेंट को. दे आर ऑब्जर्विंग सेम इवेंट. और यहाँ ये जेड डैश है थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ फ्रेम एस डैश. अब यहाँ फ्रेम वाई डैश है और किसी भी डायरेक्शन में यहाँ जो मोशन है फ्रेम एस का एस डैश का वह एस के एस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. और सपोज किया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जहाँ कोई पार्टिकल है और कोई इवेंट है वह हैपन हो रहा है घटित हो रहा है कोई घटना, और उसको दोनों ऑब्जर्वर अपने अपने फ्रेम के ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं. मतलब पॉइंट पी और इवेंट पी इज ऑब्जर्व बाई टू ऑब्जर्वर्स ओ डैश सिचुएटेड एट द ऑरिजिन ऑफ फ्रेम एस डैश वाइल एंड बाई द फर्स्ट ऑब्जर्वर विच इज सिचुएटेड एट ऑरिजिन ओ ऑफ द फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम एस. तो लेट सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी और इवेंट पी, इवेंट इज हैपनिंग एट पॉइंट पी इज आर एक्स वाई जेड एंड टी रिलेटिव टू फ्रेम एस एंड रिलेटिव टू फ्रेम एस डैश द पोजिशन ऑफ सेम इवेंट और सेम पॉइंट पी इज एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश. सो इट इज एक्स डैश पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स डैश फ्रॉम फ्रेम एस डैश एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड इट इज वाई डैश वाई एक्सिस के लॉन्ग इसी इवेंट का जो पार्टिकल पी पर जो पॉइंट पी पर सिचुएटेड है उसका पोजिशन कोऑर्डिनेट हो गया वाई डैश मतलब फ्रेम एस डैश के रेस्पेक्ट में. सो नाउ फ्रेम एस डैश आफ्टर टाइम टी
सपोज इनिशियली ऑरिजिन्स ऑफ बोथ फ्रेम्स ओ एंड ओ डैश कॉइंसाइड्स, दैट इज टी इजकल टू टी डैश इजकल टू जीरो एट इनिशियली. आफ्टर टाइम टी, बिकॉज फ्रेम एस डैश इज मूविंग इन एनी डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, सो आफ्टर टाइम टी फ्रेम एस डैश इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस वी एक्स टी, डिस्टेंस वी एक्स टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टू टाइम. तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेपरेशन वी एक्स टी होगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो सेपरेशन होगा, ये वाई एक्सिस वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज किया गया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेशन फ्रेम एस डैश का हो जाए, एस डैश का हो जाएगा टी टाइम के बाद वी वाई टी, और फ्रेम एस डैश का सेपरेशन जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कितना, ये वी जेड टी, वी जेड इंटू टी. दिस इज फिगर टू. इन दिस डायग्राम फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन एनी डायरेक्शन, सो वी हैव टू टेक वेलोसिटी वी, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम वी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. वी कैन एक्सप्रेस वेलोसिटी वी ऑफ द फ्रेम एस डैश, ऑफ फ्रेम एस डैश रिलेटिव टू फ्रेम एस इन एनी डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट. इट कैन बी एक्सप्रेस एट वी ए वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. This is equation number 2. Equation 1 we have taken already. Now after time t, initially दोनों को हम suppose करते हैं point P का, जहाँ पर कि कोई event happen हो रहा है, तो उसका position coordinate premise के respect में x, y, z, t है, position and time, time t है और position coordinate x, y, z है, और फिर s dash का, s dash के respect में उसी point का, उसी event का coordinates, position and time, x dash, y dash, z dash, t dash है, और इनिशियली दोनों का, दोनों फ्रेम्स का ओरिजिन कॉन्साइड करता है ओ एंड ओ डैश. तो आफ्टर टाइम टी फ्रेम एस विल बी, एस विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वी एक्स टी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वी वाई टी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये सेपरेशन यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और वी जेड टी अलॉन्ग जेड एक्सिस. दिस इज द सेपरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश रिलेटिव टू फ्रेम एस अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. इनिशियली ओरिजिन्स ओ एंड ओ डैश, ओ एंड ओ डैश ऑफ बोथ फ्रेम्स, बोथ इनर्शियल फ्रेम्स, फ्रेम्स ऑफ रिफरेंस को सिंपली फ्रेम भी कहा जाता है, फ्रेम्स कॉन्साइड, दोनों फ्रेम कॉन्साइड करता है, एंड बट आफ्टर टाइम टी फ्रेम एस डैश चूँकि मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो यहाँ एनी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मोशन हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, वाई के लॉन्ग भी हो सकता है, जेड के लॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी का थ्री डायमेंशनल मोशन यहाँ पर तीनों कंपोनेंट वेलोसिटी का वी एक्स वी वाई और वी जेड सपोज किया गया. बट आफ्टर टाइम टी फ्रेम एस डैश इज सेपरेटेड बाई डिस्टेंसेस वी एक्स टी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना सेपरेशन होगा वी एक्स टी, जिसने हमने रिप्रेजेंट किया है, इसे एस डैश एस सेपरेटेड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी एक्स टी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी वाई टी एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग वी जेड टी, सेपरेटेड बाई डिस्टेंसेस वी एक्स टी वी वाई टी एंड वी जेड टी respectively along x, y and z axis, respectively along x, y and z axis. Therefore, observations of both observers O and O dash of both inertial frames S and S dash of the same event, observations of the same event as observed by two observers O and O dash can be related by another set of four equations which can be represented as
सो ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम इवेंट एज ऑब्जर्व बाई टू ऑब्जर्वर्स इन बोथ फ्रेम्स कैन बी रिलेटेड एज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेम इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस एट पी सेम इवेंट पी सेम इवेंट पी ऑब्जर्व्ड बाई बोथ ऑब्जर्वर्स एट ओ एंड ओ डैश बोथ ऑब्जर्वर्स ओ एंड ओ डैश कैन बी रिलेटेड एज अब यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिलेटेड एज एक्स डैश इजकल टू अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजिशन कोऑर्डिनेट का जो ऑब्जर्वेशन होगा दोनों फ्रेम के बीच में वह एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस फर्स्ट केस में तो केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेपरेशन था तो केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था वाई और जेड के लॉन्ग चूँकि मोशन वाई एंड जेड के लॉन्ग मोशन फर्स्ट केस में नहीं हो रहा था इसलिए वाई डैश इजकल टू वाई जेड डैश इजकल टू जेड तो वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई ट्रांसफॉर्मेशन पोजिशन कोऑर्डिनेट का नहीं था लेकिन यहाँ केवल एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस वी एक्स टी सेपरेशन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रेम एस का और वी एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का फ्रेम एस डैश का वेलोसिटी भी है तो चूँकि एनी डायरेक्शन में है वेलोसिटी भी तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट वी एक्स होगा वाई के लॉन्ग वी वाई होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का एंड जेड के लॉन्ग वी जेड कंपोनेंट होगा वेलोसिटी भी का जो फ्रेम एस डैश का वेलोसिटी है तो वी एक्स टी ये हो गया एक्स डैश इजकल टू एक्स माइनस वी एक्स टी इज द सेपरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश रिलेटिव टू फ्रेम एस एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अब चूंकि सेपरेशन वाई डैश के लॉन्ग भी हो सकता है कोई किसी भी डायरेक्शन में इसलिए वाई देयरफॉर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पोजिशंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम इवेंट पी एज ऑब्जर्व बाई द ऑब्जर्वर्स ओ डैश एंड ओ कैन बी रिलेटेड एज वाई डैश इजकल टू वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग और वाई डैश के लॉन्ग सेपरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग सेपरेशन कितना है टी टाइम के बाद शुरू में तो ओ तथा ओ डैश कॉन्साइड कर रहा था कॉन्साइड किया गया था सपोज किया था हमने अब टी टाइम के बाद ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन को देख रहा है सेम इवेंट को तो टी टाइम के बाद सेपरेशन है वाई एक्सिस के लॉन्ग सेपरेशन है फ्रेम एस डैश का वी वाई टी वेयर वी वाई इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एलॉन्ग वाई एक्सिस ऑफ फ्रेम एस डैश फ्रेम एस डैश के वेलोसिटी भी का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग वी वाई सो डिस्टेंस कवर्ड बाई फ्रेम एस डैश आफ्टर टाइम टी इज वी वाई टी बिकॉज डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम वी वाई इंटू टी हो गया अब जेड एक्सिस के लॉन्ग भी यहाँ मोशन की पॉसिबिलिटी है चूँकि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है तो यहाँ सेपरेशन अब पोजिशन कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन होगा दोनों फ्रेम के बीच में जो कि दोनों ऑब्जर्वर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है तो जेड डैश इजकल टू जेड माइनस वी जेड इंटू टी और टाइम तो टी डैश इजकल टू टी चूँकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जरूर उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज किया गया तो उसमें टाइम टी डैश व टी के इक्वल नहीं होगा उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा लेकिन यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टी डैश इजकल टू टी ही सपोज करना होगा क्योंकि इसमें टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो दिस इज अनदर सेट ऑफ फोर इक्वेशंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दैट इज अनदर सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिस इज अनदर सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन केस व्हेन फ्रेम एस डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी इन एनी डायरेक्शन नॉट अलोंग ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज वाज इन द अर्लियर केस दैट इज केस वन दिस इज अनदर सेट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अब इन सभी को एक सिंगल इक्वेशन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये चारों इक्वेशंस सेकेंड टू में है तो चार में से कम तीन फर्स्ट थ्री को हम
एक सिंगल रिलेशन से पोजिशन कोऑर्डिनेट के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसे हम पोजिशन कोऑर्डिनेट्स को हम सिंगल इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। इक्वेशन टू के फर्स्ट थ्री जो इक्वेशंस हैं उसको कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल इक्वेशंस विच इज इन टर्म्स ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट। तो इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स और पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स, पोजिशन वेक्टर्स, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड ऑफ इक्वेशन टू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल इक्वेशन। तो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, पोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एक्सप्रेस्ड बाई टू ए टू बी एंड टू सी, ट्रांसफॉर्मेशंस दैट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर पोजिशन, पोजिशन मीन्स डिस्टेंस कैन बी गिवन बाई इक्वेशन टू। इन इक्वेशन टू कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंगल इक्वेशन, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोजिशन कोऑर्डिनेट के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन तीनों फर्स्ट थ्री इक्वेशंस को जो पोजिशन से रिलेटेड है। तो इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है टी डैश आर डैश इजकल टू आर डैश इजकल टू आर वेक्टर माइनस भी इंटू टी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री विच रिप्रेजेंट्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन केस टू बाई ए सिंगल इक्वेशन आर डैश इजकल टू आर माइनस भी टी वेर आर इज द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इवेंट पी रिलेटिव टू ऑरिजिन ओ ऑफ फ्रेम एस एंड आर डैश इज द पोजिशन। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा यहाँ से पी पार्टिकल का मैंने फर्स्ट फ्रेम के ऑरिजिन से जहाँ पर कि ऑब्जर्वर सिचुएटेड है वहाँ से ये पोजिशन वेक्टर हो जाएगा इस इवेंट का इस पार्टिकल का, ये आर हो जाएगा आर वेक्टर। और सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के ऑरिजिन से पॉइंट पी का पोजिशन कोऑर्डिनेट, ये पोजिशन कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आर डैश हो जाएगा, ये आर डैश है। तो आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इवेंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ ऑफ फ्रेम एस एंड आर डैश इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इवेंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ डैश ऑफ सेकेंड इनर्शियल फ्रेम एस डैश। इसी के साथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इस सेकेंड केस के डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है जो कि लेक्चर 11 था रिलेटिविटी का।